एक दफ़ा आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। आज जो हमने टॉपिक करना है दैट इज़ हॉल इफेक्ट, ये मैं एक नज़र आपको ये सारा टॉपिक जो है दिखा देता हूँ ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकें, क्योंकि आपके पास बुक में ये अवेलेबल नहीं होगा। तो सारा लेक्चर अभी हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम दोबारा से एक दफ़ा इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, हॉल इफेक्ट है क्या? एक इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं कि अभी इससे पहले हमने देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। ठीक हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर हम चार्ज पार्टिकल कंसिडर करें कि इलेक्ट्रॉन है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो जाहिर बात है उसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगी। अब ये वाली फोर्स जो है, पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में जा रहा है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, पाथ उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हॉल। इसने सबसे पहले, साइंटिस्ट तो नहीं तब, तो ये एक स्टूडेंट था हॉपकिंग यूनिवर्सिटी में। तो इसने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि क्या यूनिवर्सिटी का नेम, अच्छा आपको इमेज नजर नहीं आ रहा, किसी भी बच्चे को इमेज नजर नहीं आ रहा? अच्छा चले, अब जरा गौर से सुने। ओके ओके, बात यह है कि सबसे पहले ये जो स्टूडेंट था एक, इसको हम साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, इसने सबसे पहले डिस्कवर किया कि अगर एक कॉपर की वायर जो है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसके अंदर भी जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर के एक एंड पर शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरे एंड पर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से वायर के एक एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल और दूसरे एंड पर पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो ये जो सारा इफेक्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का पैदा हो जाना मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से, दिस इज़ कॉल्ड हॉल इफेक्ट। तो आपको मैं एक दफ़ा, ये अभी लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी मैं एक दफ़ा आपको ये सारा जो टॉपिक है इसको दिखा दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है उसमें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हमारे पास, आप समझ लें कि एक कॉपर की स्ट्रिप है, एक कॉपर की स्ट्रिप है, जैसे कॉपर की वायर होती है ना, फर्ज करें ये है कॉपर की वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इसको वायर की बजाय एक स्ट्रिप की शक्ल में कंसिडर कर लेते हैं और इसकी विड्थ को हम डी से जाहिर कर देते हैं। ठीक है, विड्थ है इसकी डी, सही हो गया, और इसकी लेंथ जो है उसको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जाहिर बात है करंट फ्लो कर रहा है और करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो उसने शो की हुई है टॉप टू बॉटम, यानी फर्ज करें इस स्ट्रिप के अंदर कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, और अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो अपवर्ड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं और हमने ये भी अज्यूम किया है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है और वो मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द पेपर, तो होगा क्या? होगा ये कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जिसको हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है क्यू वी क्रॉस बी।
और मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इस नेगेटिव साइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी क्रॉस बी करने के बजाय हम इसे बी क्रॉस वी करेंगे। अब अगर आप इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के मुताबिक बी क्रॉस वी करें, बी क्रॉस वी, बी जो है वो इनटू द पेपर है और वी जो है वो अपवर्ड है, टॉप ऑफ द पेज की तरफ, तो आप अपने राइट हैंड को ये वाली डायरेक्शन देकर देखें, थंब राइट साइड की तरफ जाएगा, यानी थंब की जो डायरेक्शन है वो ये वाली बन रही है जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। थंब की डायरेक्शन क्या बन रही है? ये वाली, राइट वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो राइट वर्ड लग रही है, और इसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाने की बजाय कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, और इसका कर्व्ड पाथ जो है वो कौन सा है? ये वाला, ये जो आपको अभी अभी मैंने हाईलाइट करके दिखाया, यानी इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रिप के राइट साइड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। जी बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? टू फिफ्टी सिक्स, अच्छा मैथ का टेस्ट है इसलिए नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, तो अब वैसे ही साइन आउट कर जाए। चलें चलें जी, बस बस बातें छोड़ें और टॉपिक की तरफ ध्यान करें। इसमें इन शॉर्ट हमने डिस्कस ये किया कि अगर इलेक्ट्रॉन टॉप ऑफ द पेज की तरफ मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक राइट वर्ड मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, और ये राइट वर्ड जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम कह सकते हैं कि वो राइट एंड की तरफ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये हाईलाइटेड पोर्शन नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में जो मैंने हाईलाइट किया है? इसका मतलब है इस स्ट्रिप के दाएं तरफ, राइट साइड पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और ये बात हम पहले से जानते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो रहा है तो फिर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज दूसरी दूसरी साइड पे अपीयर हो जाता है। तो ये देखें, दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इस स्ट्रिप के राइट एंड पर लो पोटेंशियल, राइट एंड पर लो पोटेंशियल, और लेफ्ट एंड पर जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज हमने शो किया है यहाँ पर हाई पोटेंशियल अपीयर होना शुरू हो गया, यानी हम कह सकते हैं इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस वी। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखें, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हाईलाइट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड अपीयर हो गई है, और हम ये भी जानते हैं कि अब इस वक्त अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है जिसे हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, आप इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जिस पर मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड की तरफ लग रही थी, मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड की तरफ लग रही थी, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से इसके ऊपर एक लेफ्ट वर्ड भी फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ लगती है। इसका मतलब है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ, देखें, एक है मैग्नेटिक फोर्स, ये राइट वर्ड लग रही है,
और दूसरी है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये लेफ्ट वर्ड लगना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से राइट साइड पे नेगेटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे, उसी तरह लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग होती जाएगी और टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी स्ट्रांग होती जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो राइट वर्ड लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स जो राइट वर्ड लग रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस वक्त लेफ्ट वर्ड लग रही है, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो अभी हमने हॉल इफेक्ट में मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जिसमें से एक सबसे पहली चीज़ क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इनके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है जो इनको इस डायग्राम के मुताबिक राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। जब ये राइटवर्ड जाएंगे तो राइट साइड पे जो प्लेट का राइट साइड है इस पर नेगेटिव पोटेंशियल और लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव पोटेंशियल अपीयर होना शुरू हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है। दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड हॉल इफेक्ट। अच्छा, इसमें ये सारी स्टोरी यही लिखी हुई है, आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। फिर हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हुआ है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स का एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद हो मैं आपको ये फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। यहाँ पर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो बन जाएगा ई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को वी से जाहिर कर लेते हैं और डिस्टेंस को डी से जाहिर कर लेते हैं। इस डी को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास वी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई डी आ जाएगा। अब इसमें डी क्या चीज़ है? डी जो है ये असल में पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के दरमियान डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। और इसी डिस्टेंस को हमने अपने टॉपिक के शुरू में विड्थ ऑफ स्ट्रिप कहा था। ये देखें, विड्थ ऑफ स्ट्रिप, दिस इज डी। ठीक है, तो ये है हमारा अभी तक का टॉपिक का हिस्सा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक हो गया, ये देखें, अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करूं तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जो मैंने अभी टॉपिक के डिस्कशन में बिल्कुल एंड पे आपको बताया था। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका फार्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान 90 था, तो इसलिए साइन 91 हो गया। चार्ज चार्ज से कैंसिल हो जाएगा आगे चल के, और हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, जिसके साथ चार्ज पार्टिकल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कॉपर की स्ट्रिप के अंदर मूव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये बन गया, इस रिलेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ नीचे देखें, ये जो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है ये असल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये हमने अभी वो वाला टॉपिक डिस्कस नहीं किया, करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर वाला, वो चैप्टर अलग है। आप ये फॉर्मूला जस्ट याद रख लें, मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। इसमें जो कैपिटल जे है इसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, स्मॉल एन जो है ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहा है जो फ्लो कर रहे हैं। ई जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इसका ये होगा कि अगर हमारे पास जो वायर है वो इस शेप की है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है,
तो आप करंट को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास करंट डेंसिटी आ जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिप इमेजिन की है, अगर मैं आपको ठीक से बना के दिखा सकूँ, ये स्ट्रिप कुछ इस तरह की थी, और अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूँ तो ये साइड आपको नज़र आएगी। अब इसमें जो इसकी विड्थ थी, इसकी विड्थ इसको हमने डी से ज़ाहिर किया था, थिकनेस जो है उसको आप स्मॉल एल से ज़ाहिर कर लें। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करूंगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कैपिटल ए का मतलब होगा विड्थ ऑफ स्ट्रिप मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, तो ये आएगा। अभी हम आगे चल के देखते हैं, आपको इसका यूज़ भी समझ आ जाएगा। अच्छा, अब करना हमने ये है कि आप ऐसा करें, चाहे ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, ये वाली, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वी ओवर डी, राइट हैंड साइड पे ई वी डी इंटू बी, ये पुट कर दिया। इसी तरह वी डी जो है उसकी भी वैल्यू पुट कर दें। तो हम ऐसा करते हैं, वी डी को मिटाकर वी डी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही साथ आ गया। यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास हो जाएगा करंट डिवाइडेड बाय एन ई कैपिटल ए। अब इसमें ये वाला ई तो पहले भी हमने कैंसिल कर दिया था, अभी दोबारा ऐसे ही लिख लिया। ऐसा करें, स्मॉल एन को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, स्मॉल एन लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, ये वाला डी जो है ये राइट हैंड साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, ये आ जाएगा जी आई बी इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाय एन ई ए और साथ कैपिटल वी, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे केस में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये विड्थ ऑफ स्ट्रिप इनटू थिकनेस ऑफ स्ट्रिप के इक्वल है। तो अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू पुट करूं तो देखें, आई बी डी डिवाइडेड बाय एन ई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह लिखें विड्थ इनटू थिकनेस। तो अब आप देखें, ये वाला जो डी है यानी विड्थ वाला पोर्शन, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आई बी डिवाइडेड बाय एन, बल्कि एन तो यहाँ नहीं आता, एन तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख चुके हैं, ये वाला एन ख़त्म कर दें, ये वाला एन नहीं आता, वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो आपके पास नीचे बच जाएगा ई वी इंटू एल। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, ई वी एल। अब इसमें स्मॉल आई क्या चीज़ है? दिस इज करंट, बी इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवेलप हुआ था, एंड स्मॉल एल इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। और मैंने थिकनेस का मतलब आपको बता दिया है कि थिकनेस का क्या मतलब है। तो ज़रा बता दें, यहाँ तक आपको समझ आ गई है हॉल इफेक्ट की? बेटा, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको आपने एक दो दफ़ा आपने देखना है, फिर आपको ज़्यादा ठीक समझ आएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी था, टाइम हमारे पास कम था, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी जल्दी इसको चलाया। बाकी यहाँ तक हमने कर लिया है। अब आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड का आइडिया उसने दिया है, ये मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं,
जो आपने अभी अभी एक डायग्राम की, ये वाली, इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो कर रहे थे? अगर आप डायग्राम फिगर ए की बात करें, इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो कर रहे थे? किस तरफ? टॉप ऑफ पेज की तरफ। जी, तो अगर आप ऐसा करें कि मैं इस कंडक्टर को उतनी ही वेलोसिटी से इस तरफ मूव करवाना शुरू कर दूं जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस तरफ जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब जितनी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल फ्लो कर सकता है, अगर मैं उतनी वेलोसिटी से फ्लो करवाना शुरू कर दूं, तो आप मुझे ये बताएं कि, बल्कि इस तरफ नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, आपने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है उतनी ही वेलोसिटी से। कंडक्टर को देखें, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, अगर मैं कंडक्टर को इतनी ही वेलोसिटी से नीचे की तरफ फ्लो करवाना शुरू कर दूं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो लेबॉर्ट्री के अंदर हमने अप्लाई की हुई है, उसके लिहाज से इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं आ जाएगा? आप सबको मेरी बात समझ आ गई है? तो बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स लगी थी यहां पर, वो फोर्स लगेगी ही नहीं। ऐसा ही है? और अगर वो फोर्स नहीं लगेगी, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था, ये भी नहीं बनेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, तो जो ये वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स, ये भी नहीं लगेगी। यानी हम कह सकते हैं, इन शॉर्ट, देयर वुड नॉट बी एनी हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब है, अगर आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि करंट फ्लो कर रहा हो लेकिन हॉल इफेक्ट ना हो, तो आप उसका क्या आंसर देंगे, बताएं? कि अगर हम कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी के साथ करंट के, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट मूव करवाना शुरू कर दें, तो फिर हॉल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर डिस्कस की गई है। ठीक हो गया। अब यहां पर हम मूविंग कंडक्टर की बात करने लगे हैं कि अगर एक कंडक्टर मूव कर रहा है, जैसे अभी मैंने एक मूविंग कंडक्टर की एग्जांपल दी, तो जरूरी तो नहीं है कि जो कंडक्टर है वो हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल स्पीड से ही मूव कर रहा होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है कि कंडक्टर की मोशन किसी और तरह की हो, हो सकता है कि कंडक्टर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के 90 के एंगल पे मूव कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के साथ कंडक्टर का जो फ्लो करने का एंगल है, मूव करने का एंगल है, वो कुछ और हो, ना 90 हो, ना 0 हो, ना 180 हो, एट एनी एंगल। जैसे फर्ज करें, स्पेस शटल है, सैटेलाइट है, उसके अंदर कोई कंडक्टिंग, कोई कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब सैटेलाइट तो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, इसका मतलब है सैटेलाइट की मोशन जो है वो कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाले करंट की वजह से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उस पर असरअंदाज हो सकती है। तो इसी चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, कीपिंग इन माइंड द हॉल इफेक्ट। ठीक है, यानी हॉल इफेक्ट जो है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है, ये इस इफेक्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं रेस्ट कंडक्टर के लिए भी और मूविंग कंडक्टर के लिए भी। यानी ऐसा कंडक्टर जो रेस्ट पर है उसके लिए भी, और ऐसा कंडक्टर जो मूविंग है उसके लिए भी। तो यहाँ पर यही थोड़ी बहुत बात की गई है, और बेसिक ये जो रिलेशन जो पहले भी हमने लिखा था, इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, उसके मुताबिक सेम वही वाला रिलेशन दोबारा लिखा गया है। और यहाँ पर ई की जगह हम पुट कर सकते हैं
वी ओवर डी, और वी को राइट हैंड साइड पे ले गए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? हमें नहीं जरूरत थी, हॉल को जरूरत थी भाई उसको जरूरत थी कि उसको फेम फेम मिले थोड़ी सी। हम तो भाई खुद करने वाले लोग नहीं है, हमने बस किया 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 कराया जो काम है उसी को देखना है, हम खुद रिसर्च थोड़ी करते हैं। समझ आ रही है? ये रिसर्च तो बेचारे वो कर रहे हैं। तो अभी जिस पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा था वो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जो इनके दरमियान अपीयर हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड के दरमियान। ठीक हो गया। तो ये था बच्चों हॉल इफेक्ट, मैं इसको एक दफ़ा फिर स्क्रीन से गुजार देता हूँ। ये भी आप देख रहे हैं और ये उसका अगला हिस्सा है, ये उससे भी अगला हिस्सा है और ये एंड हो गया। यहाँ पर मैंने आपको करंट डेंसिटी के बारे में बताया था, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।